देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित रेलवे कांग्रेस भवन में रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर मंडल का डिविजनल एग्जीक्यूटिव काउंसलिंग मीटिंग आयोजित की गई, जहां बैठक के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में NFIR रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर जोन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तपन चटर्जी की अध्यक्षता में एवं रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के मंडल समन्वयक बी कृष्ण कुमार और विशिष्ट अतिथि के रूप में उमरिया सहायक मंडल अभियंता पी मोहम्मद एवं सभा संयोजक संयुक्त महामंत्री CIC प्रभारी लक्ष्मण राव एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष रेलवे मजदूर कांग्रेस शाखा उमरिया के सचिव जावेद खान एवं उमरिया रेलवे मजदूर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत दीक्षित सहित अन्य अतिथियों के उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। वही बिलासपुर मंडल 13 शाखाओं के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सहित पदाधिकारीगण इस बैठक में शामिल हुए, जहां आयोजित बैठक के दौरान उपस्थित केंद्रीय पदाधिकारी एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए एजेंडा पर चर्चा की गई। वही बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि मजदूर नेता तपन चटर्जी ने कहा कि पूरे भारतीय रेल में संयुक्त रेल महासभा द्वारा वर्तमान केंद्र सरकार के निजीकरण का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। निजीकरण आम जनता एवं रेल कर्मचारी दोनों के लिए नुकसानदायक है। वही कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उमरिया सहायक मंडल अभियंता पी मोहम्मद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिलासपुर रेलवे जोन में एकमात्र मान्यता प्राप्त संगठन मजदूर कांग्रेस रेल के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। साथ ही उन्होंने रेलवे मजदूर कांग्रेस संगठन अनुशासन की प्रशंसा की एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रेलवे मजदूर कांग्रेस बिलासपुर के मंडल समन्वयक बी कृष्ण कुमार ने कहा कि NFI और रेलवे मजदूर कांग्रेस लगातार रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार से हर मंच में प्रमुख मांग कर रही है कि तत्काल न्यू पेंशन स्कीम को खत्म करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए एवं ट्रैक महीनों के सभी विभाग में जाने के लिए ओपन टू ऑल किया जाए। साथ ही महिला रेल कर्मचारियों को ट्रैक मैन से हटाकर दूसरे विभाग में शामिल किया जाए, जहां उन्होंने रेलवे मजदूर कांग्रेस के सभी शाखा पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि आप भी लोग रेल कर्मचारियों के सुख दुख और ईमानदारी से उनकी सेवा करें। वही रेलवे मजदूर कांग्रेस नेता लक्ष्मण राव ने कहा कि किसी IC क्षेत्र एवं सभी रेलवे कॉलोनियों में रोड नाली पानी चिल्ड्रन पार्क आवास मरम्मत आदि के कार्य सक्रियता से हो रहे हैं एवं निरंतर रेलवे कॉलोनी में जन संपर्क करते रहे। वही बैठक के दौरान केंद्रीय पदाधिकारी DK स्पॉइन विजय अग्निहोत्री RK सांडे शेर खान एवं करंजी शाखा से सचिव पप्पू CRN राम अभिलाष कुमार एवं अनूपपुर शाखा से जयंता दास गुप्ता संजू राव रंजीत कुमार एवं शहडो शाखा से CN सिंह बालकृष्ण बंगारी अनूप सोनटके और उमरिया शाखा से प्रशांत दीक्षित जावेद खान सुरेंद्र दास अमरनाथ पटेल संतोष विश्वकर्मा रामू राव सुनील कुमार नीरज दुबे अलाई से और चंपा शाखा से सचिव जयप्रकाश यादव एवं कोरबा से नरेश त्रिवेदी सहित अन्य लोग शामिल हुए। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। सबसे पहले हेल्प किया जा वो मजदूर कांग्रेस के प्रेसिडेंट का ही किया था, जिसने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, बट वो बस नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसको एक बेड दिलाया गया था नागपुर हॉस्पिटल में, लेकिन वो जाने से मना कर दिया, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने जो भी कोऑर्डिनेशन कराया वो श्रीनिवास डोरा से कराया था, वो वहाँ का प्रेसिडेंट था। रखी मेरे सामने कि पहले 12 किलोमीटर का बीट हुआ करता था और टोटल रनिंग हुआ करता था, अब वो 16 किलोमीटर का हो गया है। तो मैं इस बात को जरूर सबसे पहले हेल्प किया जा वो मजदूर कांग्रेस के प्रेसिडेंट का किया था, जिसने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया, बट वो बस नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उसको एक बेड दिलाया गया था नागपुर हॉस्पिटल में, लेकिन वो जाने से मना कर दिया, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैंने जो भी कोऑर्डिनेशन कराया वो श्रीनिवास डोरा से कराया था, वो वहाँ का प्रेसिडेंट था।
रखी मेरे सामने कि पहले 12 किलोमीटर का बीट हुआ करता था और पुकोटा रनिंग हुआ करता था, अब वो 16 किलोमीटर का हो गया है। तो मैं इस बात को जरूर जीवन में रखूंगा, कर्मचारियों को बधाई चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी इंसानी है, जो ऑफिसर्स रहते हैं वो इंसानी है, वो भी सोचते हैं। जब मैंने देखा कि 16 किलोमीटर का आया तो मैं भी सोचने लगा कि इतना कैसे कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, अपनी मजबूरी होती है, अपने पास कर्मचारी बहुत कम है। इसी के साथ मैं आप लोगों का धन्यवाद। हमारे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि मजदूर कांग्रेस मेहनत करके इंटेक कोटा को लागू करवा रही है, मगर कुछ हमारे साथी चुनिंदे डिपार्टमेंट को लेने के वजह से वो अपनी वहां पे ज्वाइनिंग को ज्वाइनिंग से ट्रैक मशीन में 600 पोस्ट 400 पोस्ट वैकेंसी खाली है, 400। हम लोग इसके बारे में बोर्ड लेवल में बात कर रहा हूं, आदमी का हाई कैसे लेगा? ट्रैक मशीन स्टाफ को छुट्टी नहीं मिलता, ओटी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ये लोग काम करता है, पूर्व बक्सर ने बताया बिलासपुर जोन सबसे हाईएस्ट अर्निंग देता, 183 मिलियन टन लोडिंग किया लक्ष्यांग में। हमारा स्टाफ काम कर रहा है, लेकिन उसको सहूलियत सुविधा नहीं हो रहा है। से बात किया जीएम साहब, हमको बताया साथ ऋषिता कृष्ण कुमार दादा, आपने तीनों डिवीजन से ये मंगा लीजिए क्वार्टर का परिस्थिति क्या है, कितना क्वार्टर व्हाइट वॉश हुआ, कितना रोड कंडीशन कैसे है, इल्यूमिनेशन है कि नहीं है, सारी विस्तारित मेरे को दीजिए, सो दैट आई कैन आस्क फॉर मनी फॉर द बोर्ड। आज दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मजदूर कांग्रेस उमरिया शाखा में आज रीजनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग रखी गई थी, जिसमें NFIR के श्री तपन चटर्जी उपस्थित हुए, रीजनल कोऑर्डिनेटर श्री बीकेश कुमार जी, लक्ष्मण राव जी, विजय चौधरी जी, डीके स्वाइन जी, आज जितने बिलासपुर जोन के जो पदाधिकारी थे वह आज उमरिया में उनका आगमन हुआ और डीसी मीटिंग का आयोजन किया गया। उमरिया शाखा से जितने कर्मचारी आज यहाँ पे आए थे उपस्थित हुए थे, और मीटिंग का आयोजन मेन मकसद था क्या थे, लोगों को इकट्ठा करना और जो कर्मचारियों की समस्याएं थी, खास करके अभी विंटर का सीजन आ रहा है, लोगों को दिक्कत हो रही है क्या थे, 16 किलोमीटर का पेट्रोलिंग कर दिया गया है और पेट्रोलिंग के दौरान में जो चुप होती है उसकी सारी समस्याएं थी। तो आज हमारे बीच ADN उमरिया पी मोहम्मद साहब भी आए हुए थे, उनके अपने चर्चा करी है, उन्होंने विस्तार से आके चेंबर में समस्या का समाधान करने की बोले हैं उन्होंने, और मेरे समस्त कर्मचारी जो थे और सहयोगी थे ऑफिस बेरा जो थे, मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस आयोजन को सफलतापूर्वक उन्होंने सम्पन्न किया। बिलासपुर मंडल के मजदूर कांग्रेस का तमाम केंद्र पदाधिकारीगण एवं 13 शाखाओं के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष उपस्थित हुए हैं। उमरिया में रेलवे कर्मचारी, स्थानीय रेलवे कर्मचारी जो है यहां पर आकर मीटिंग में अपने समस्या को रखा था। मजदूर कांग्रेस ने जो पोस्टर जो जारी किया है, जिसमें 10 प्रमुख मांगों को लेकर हम लोग आज के मीटिंग में चर्चा किया है। इसमें सबसे पहले जो देश में जो राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों में जो सौंपा जा रहा है उसको विरोध करते हैं, रेलवे में निजीकरण आउटसोर्सिंग को मजदूर कांग्रेस विरोध करती है, और जो नया पेंशन स्कीम के जो लोग हैं उनको पुराना पेंशन स्कीम में तब्दीली करके सभी रेल कर्मचारियों को पुराना पेंशन का नीति के अनुसार पेंशन देने की मांग करती है। उसके अलावा जो हॉस्पिटल कॉलोनी सब में जो है हमारी इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, उसकी मांग करती है। कोरोना काल में बजट को कमी बताकर जो रनिंग स्टाफ की जो लाइन बॉक्स को बंद करना है, और ओवर टाइम और इत्यादि जो अलावेंसेस जो जायज
अलवंसेस है उसको जो कमी करने का जो रास्ता है, खासतौर पर स्टेशन मास्टरों की जो वॉर टाइम को पिछले दो साल से नहीं दिया जा रहा है, इन मुद्दों को भी लेकर जो है यहाँ पर चर्चा किया गया है। उसका अलावा जो हमारी महिला कर्मचारी जो ट्रैक मेंटेनर है उनको साल में जो 10% इंटेक्ट जो कोटा का तहत जो है एक निर्धारित परसेंटेज में अन्य कैटेगरी में जाने का मौका देने का रखा गया है। इसके अलावा जो LDCE जो परीक्षा होती है उसमें तमाम जो कर्मचारी है उनको योग्य किया जाए, जिससे ट्रैक मेंटेनरों को भी अन्य कैटेगरी में LDCE के तहत जो है दूसरा कैटेगरी में जाने का मौका मिलेगा। इसका अलावा जो है रनिंग स्टाफ की समस्या, जो मैकेनिकल और SNT विभाग में जो काम करने वाला कर्मचारियों की समस्या, और जो DATR जो है 2/1/2020 से जो बंद। मजदूर कांग्रेस की अभी बैठक हो रही है, इसमें ये सब ट्रैकमैन और जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं उनकी जो समस्या है रिलेटेड कुछ जो भी मेरा ट्रैकमैन साथी है रिलेटेड बात चल रही है, आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जो रेलवे बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं बाद में लिखित यहाँ पर है उसका सोल्यूशन क्या होगा। आज की जो मीटिंग थी काफी सक्सेसफुल थी, इस पर कर्मचारियों से संबंधित जितनी भी इनकी मांगे थी उन पर डिस्कशन किया गया, चाहे वो नाइट ड्यूटी अलाउंस हो जो कि मतलब 43600 ग्रेड पे के ऊपर जो है बंद कर दिया गया, इस पर भी सकारात्मक बात हुई और हमारे जो अध्यक्ष हैं और हमारे DC जो हैं ये भी दिल्ली गए थे, वहाँ बात करके आए हैं, रेलवे बोर्ड की DUPT ने उसको पास कर दिया है। उम्मीद है बहुत जल्दी जो है ये रेल कर्मचारियों का बहुत प्रतीक्षित नाइट ड्यूटी अलाउंस जो है हम लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा बच्चों के स्कूल के ऊपर डिस्कशन हुआ, हॉस्पिटल के ऊपर डिस्कशन हुआ और एक हेल्थ डिस्कशन हुआ है कर्मचारियों के हित के लिए। हर साल में 6 लाख 2 लाख अंडर बनता है, आज लास्ट मीटिंग का दिसंबर 20 मीटिंग हुआ नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग, इसमें राज्य का हिसाब निकास, राज्य का लेखा जोखा का हिसाब देता है, राज्य का कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है उसके बारे में चर्चा होता है, आने वाला क्या क्या प्रोग्राम लेना है उसके बारे में चर्चा होता है। आज सब इस चर्चा में रखी है रिगार्डिंग रेलवे हॉस्पिटल के बारे में, सेंट्रल हॉस्पिटल इंडस्ट्री के बारे में हमने चर्चा किया, बहुत ज्यादा परिस्थिति भी वहाँ पे है, वहाँ पे रेल मंत्री को सुविधा नहीं मिल रहा है, इसके बारे में हम लोग चिंतन किया, आने वाला समय में उसको उत्तर